हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम किन पार्टिकल से मिलके बना है। अभी तक आपने करा है कि जो जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो ये जो एटम भी है ये भी तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। पार्टिकल्स उसके ऐसे अलग हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो उसी एप्लीकेशन पर है कि उसके न्यूक्लियस को, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस को वो करा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। सोचिए कितनी एनर्जी, कितने बड़े एरिया में डिजास्टर हो जाता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये पता कैसे चला कि देखिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, उससे पता चलता रहता है कि इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन बने। इनकी जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की थी ई गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की जेम चैडविक ने, CHADWICK चैडविक ने की थी। तो एक्चुअली देखा क्या गया, कैसे एक्सपेरिमेंट की, मतलब यदि हम सपोज प्लास्टिक के स्केल को आप फर्क के उससे आप करेंगे तो क्या होता है, ये जो स्केल भी है चार्ज हो जाता है। मतलब कि इसमें से कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर में कुछ इसमें से, जब हम किसी एक मैटर को दूसरे मैटर से रब करते हैं तो क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ वो आपस में ट्रांसफर होते हैं, उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इतना तो आप लोगों को पता ही है। कॉम को हम अपने हेयर से रब करेंगे, कॉम को, ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, तो क्या होता है, उसके बाद में कॉम के पास में जब हम स्मॉलेस्ट छोटे छोटे या पीसेस पेपर के लाएंगे तो इसको अटैक कर लेता है। तो इन सब से, इन सब जिसका देखा गया कि जो एटम है, जो मैटर है, एटम है, वो भी क्या है, चार्ज हो रहा है, कि इट मीन्स उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एक से दूसरे में जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, वो मैटर चार्ज हो रहा है। तो इन सब से ही हुआ कि इसमें क्या है कि उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, एटम में भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि एक से दूसरे में जाते हैं। इसी तरह से कुछ आपके रेडियो एक्टिव भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से लगातार निकलती रहते हैं लगातार उसमें, तो वो कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं। वो सब क्या, इन सब से हुआ कि भाई कुछ ना कुछ उसमें पार्टिकल्स होंगे। तो मैं इसकी जो डिस्कवरीज हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, क्या है डिस्कवरी, वो बातें बताऊंगी। उससे पहले नॉर्मल मैं सबसे बाद में जाती हूँ कि सबकी एटम का जो कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो फाइनल, अच्छा ये डिस्कवरी के बाद में फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, आपका रदरफोर्ड ने करी थी। उसके बाद में फिर तीनों की डिस्कवरी होगी, फिर हमारे इसके एटम की हुई। सबसे पहले थॉमसन ने अपना एटम का स्ट्रक्चर निकाला, तब तक उस समय इसके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। फिर बाद में इस रदरफोर्ड ने इसमें इसकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, तब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी हो चुकी थी। फिर इस रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस की जब से डिस्कवरी कर ली, उसके बाद इसका ही सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर और एटम था, जो कि काफ़ी हद तक इस समय के मॉडर्न वाले स्ट्रक्चर के थे। कुछ उसके ड्रॉबैक थे जिसको कि आगे जाके बोर्स ने करा। बोर्स का जो मॉडल है वो इस समय मॉडल है, एक्चुअली जो मॉडल है, पहले मैं आपको उसी के बारे में बता देती हूँ मैं कि क्या कैसे होता है। एटम जो होता है उसके बीच में तो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और उसके आसपास शेल होते हैं, ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर होता है कि बीच में क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ऑर्बिट है। किसी में एक ऑर्बिट होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट को हम शेल भी कह सकते हैं और इसमें जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है कि पहले में कितने होंगे, वो फॉर्मूला होता है 2n2। इसके बारे में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी।
मैं इसको थोड़ा इसका बता देती हूँ। 2n² मतलब कि जो पहले नंबर का है तो n की जगह 1 लिख लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 1² मीन्स 2। सेकंड वाले में कितने हो जाएंगे, 2 2 4 8, तो सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 18, फोर में 32, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली है। तो क्या स्ट्रक्चर हुआ एटम का, बीच में न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस कहते हैं सेंटर, वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। इसको हम सोलर सिस्टम की तरह कर सकते हैं कि सपोज बीच में सन है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इसी तरह करीब समझ लीजिए एटम का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर यह है कि एक ऑर्बिट खाली एक ही प्लेनेट का होगा, यहाँ पर क्या है अलग अलग शेल है, ऑर्बिट है, और उनमें जो है अलग अलग नंबर ऑफ शेल्स मूव कर रहे हैं। इनका जो ऑर्बिट्स है, जो शेल है, इनका हर एक का अपना एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली इनके ये जो इलेक्ट्रॉन है, पहले वाला जो शेल है उसका जो एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग होगा, सेकेंड वाले का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा यानी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके बाद वाले की ज़्यादा। तो एक एक उससे शेल से दूसरे में इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, कैन बी, बट कैसे जाएंगे कि यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले में जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, वो गेन करेगा और उसके बाद में अचीव करके फिर यहाँ चला जाएगा, बट लगातार यहाँ नहीं रह सकता, कुछ टाइम बाद वापस फिर वो जो है वहाँ पर एनर्जी को लॉस करके फिर से अपने उसमें ऑर्बिट में आ जाएगा। ऐसा होता बहुत कम है लेकिन ऐसा हो सकता है, कैन बी। फिलहाल स्ट्रक्चर क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, वहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं उसमें मूव कर रहे होंगे। और अच्छा मैंने बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, और दूसरा जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल क्यों है, बिकॉज इसमें पॉजिटिव है और इसमें इसमें नेगेटिव है, ये नंबर में भी सेम है और इनमें चार्ज भी सेम होता है। प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ पॉजिटिव में, इस पर भी सेम है बट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बेस उस पर जो है एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इस पर क्वेश्चन दिया जाता है गिव रीजन में, तो गिव रीजन का आंसर भी यही है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो एटम का जो मोस्टली मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में सेंटर में होता है, उसका रीजन ये है कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता हैगा, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो उनका मास होता है और इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेजिबल कर देते हैं। देखिए प्रोटॉन का मास क्या 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम और इलेक्ट्रॉन का मास है 9 × 10⁻²⁸। देखिए इससे कम हैगा ये, और इसका कितना 1.6 इसका, इन दोनों का सेम यहाँ पर मास हैगा ये। तो इस कारण क्या होता है, ये सारा जो इसका मास होता है कहाँ होता है, ये सेंटर में होता है। टोटल मास कितना कहाँ पर होता है, ये सेंटर में इसका मास होता है ये। ओके, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दिया, अब हम बात करते हैं इस किसकी एटॉमिक नंबर की, हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। ये देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है Z से करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ दैट, उस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। और मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों का मतलब क्या है? आप एटॉमिक मास बोलिए या आप एटॉमिक नंबर बोलिए, एटॉमिक मास और मास नंबर। देखिए ये एटॉमिक नंबर है, मैं बोली एटॉमिक मास और मास नंबर, बोथ आर सेम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि सेंटर में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लर्न करने वाली बात और है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को टुगेदर हम कहते हैं न्यूक्लियॉन, मैंने लिख भी रखा है। क्योंकि ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को टुगेदर क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। अब एकदम देखा जाए कि जो एटम के दो पार्ट हो गए, एक तो क्या हो गया न्यूक्लियस हो गया, दूसरा हो गया आउटर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, और इसके आउटर में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि क्वेश्चन आता है कि उसमें न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के आउटर में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन है। तो एटम के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? टू पार्ट्स हो गए इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो मैंने मास बता दिया, चार्ज भी आपको बता दिया मैंने। अच्छा, अब जैसे जो मास हम कहते हैं कि एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन जो मास होता है, जितना हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन के मास के बराबर लेते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो हमारा एटम है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है वो? हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट कौन सा? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये सबसे छोटा हमारा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एटम माना जाता है। इसका मास कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो हमारा है, इसको जो इलेक्ट्रॉन का है, क्या है? 1/1814 टाइम जो हुआ, माइनस में देखा जाए ये इसका है। ये देखिए माइनस में है इसका जो मास है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, और ये इसका जीरो आ गया। वो चार्ज है ये चार्ज प्लस, ये चार्ज है ये जीरो में। तो जितना हाइड्रोजन का मास होता है, उस हाइड्रोजन के मास का 1/1840 टाइम्स किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और हाइड्रोजन के मास के बराबर ही इसका प्रोटॉन का मास होता है। तो देखिए कितना कम इसका मास हुआ, इसीलिए इसको हम निग्लिजिबल करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये चीज क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि यदि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को लिखना हो, ये एक नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? सपोज हमें हीलियम का लिखना है, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर मतलब कि 2, एटॉमिक मास 4, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2। एटॉमिक मास क्या हो गया? 4। तो इट मीन्स कोई एक्स हम मान लेते हैं, कोई एक्स हमारा क्या है? एटम है। तो यहाँ पर तो होगा जेड और यहाँ होगा ए। तो यदि ये इस तरह से लिखा हुआ हो, तो यदि पूछा जाए कि कितने प्रोटॉन हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कितना एटॉमिक नंबर है? 2। एटॉमिक मास 4 एंड न्यूट्रॉन 4-2। आप किसी का भी इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं एक और लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑक्सीजन का लिख देती हूँ यहाँ पर, 8 और ये 16। कितने प्रोटॉन? 8। एटॉमिक नंबर? 8। इलेक्ट्रॉन? 8। एटॉमिक मास? 16। न्यूट्रॉन? 16-8=8। इस तरह से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है ज्यादा मोस्टली। ओके, तो ये मेन मेन चीजें मैंने आपको सब। अच्छा, एक और है इसकी, एक क्वेश्चन और एक नंबर का आ जाता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कितनी होती है? उसकी रेडियस होती है 10^-5 मीटर। ये इसकी रेडियस होती है न्यूक्लियस की। इसको हम ठीक है, चलिए
इतना सफिशेंट है, ज़्यादा आपके माना नहीं है, उतना ही कराते, क्योंकि है कब बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतना सफिशेंट है। अब मैं आपको आगे जो मैंने पॉइंट्स बताए उन सब चीज़ों को बताती हूँ।